बजाते बजाते उंगलियां सूज गई। कल तक नॉर्मल नहीं हुई तो गिटार कैसे बजाऊंगा? अरे क्या हुआ, आप प्रैक्टिस छोड़कर आ गए, गिटार भी ऐसे ही छोड़ दिया? हाँ लेकिन तुमने गिटार तो सही जगह पर रख दिया ना। हाँ मैंने गिटार तो संभाल कर रख दिया, लेकिन आपकी उंगलियों में दर्द हो रहा है। नहीं, नहीं तो मैं अभी आती हूँ। बैठिए इधर। क्यों? बैठिए, ये लीजिए। ये क्या? नमक वाला गर्म पानी। क्या पीऊँ इसे? नहीं, इसमें अपनी उंगलियां डुबो लीजिए, दर्द भी कम हो जाएगा, सूजन भी चली जाएगी। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मेरी जादूगरनी है? इसे तो सब पता होता है। ज्यादा सोचिए मत, अपनी उंगलियां इसमें डालिए जल्दी। लेकिन पक्का ना इसमें उंगलियां डालने से ठीक हो जाएगी? ऐसा तो नहीं कि इतना ज्यादा डैमेज हो जाए कि गिटार तो क्या चुटकी भी ना बजा पाओ? अगर मेरा कॉन्सर्ट फ्लॉप हुआ तो? फ्लॉप नहीं, आप कभी फ्लॉप नहीं हो सकते, और आपका कॉन्सर्ट बहुत सक्सेसफुल होगा, मुझे पता है। चलिए लाइए, दीजिए उंगलियां, डालिए इसमें। आओ, ज्यादा गर्म है? बहुत है, लेकिन मेरे से कम। तो फिर डालिए उंगली। वैसे तुम्हें इस टेक्निक के बारे में कहां से पता चला? टीचर बनने से पहले स्पा का कोर्स किया था क्या? जी नहीं, मैं जब नंगे पांव मंदिर जाया करती थी मेरे भी पांव सूज जाते थे, फिर दादी मेरे पांव नमक वाले गर्म पानी में रखती थी और वो ठीक हो जाते थे। कभी अपने सर को डुबा कर देखा है? सर, प्रोफेसर, कॉलेज। बेटा ज्यादा फर्क नहीं पड़ा? अब स्टिल द सेम, बिस्की जरूरत नहीं है। ठीक, अब सो जाइए, कल के परफॉर्मेंस के लिए फ्रेश दिखना भी तो जरूरी है। गुड नाइट।